गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के दिन का शुरुआत हो रहा है। ये रहा अर्न, क्या हुआ? ठीक से वीडियो नहीं बनाया। कहाँ चले अब हम लोग अर्नब? हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब? अब हम लोग चले मंदिर। सोना भी तैयार हो गया, नया नया टी शर्ट पहन के। टी शर्ट मम्मी जी की तरफ से है और ये रहा ट्राउजर अर्नब की तरफ से। नया नया कपड़ा पहन के सोना तैयार हो गया, मंदिर जा रही हूँ मैं। और ये अर्नब, अर्नब भी रेडी हो गया, शूज अपना स्लीपर पहन रहा है। चलो अर्नब, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने। क्या हुआ अर्नब? पापा का बर्थडे है, पूजा करने जा रहे हैं। हम लोग पूजा करने जा रहे हैं पापा का बर्थडे में। ठीक है, चलो करके आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चले मंदिर। सोना का बर्थडे है तो मंदिर जाना, तो हम लोग का दिन का शुरुआत भगवान जी से होता है। और अर्नब गाड़ी पे चढ़ गया और ये अर्नब, अर्नब और सोना दोनों तैयार, दोनों की सवारी तैयार। चलते रहेगा तो कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग में, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हम लोग फूल लेने के लिए रुके, बहुत सुंदर सुंदर फूल था। तो मंदिर के लिए सोना को बोले हम फूल ले लीजिए। पहुंच गए मंदिर हम लोग और ये रहा फूल, इतना सारा फूल दे दिया। पूजा हो गया और अब हम लोग चले घर। अर्नब को लड्डू मिल गया, अर्नब को लड्डू चाहिए था। अब केक कब लेगी? केक कब लेगी? क्या चाहिए अर्नब? केक कब लेगी? अर्नब को केक चाहिए। केक तो शाम में कटेगा बेटा, हम लोग चलते हैं घर। ठीक है, केक कब लेगी? वो बोलने कटेगा, केक चाहिए केक। अब हम लोग आ गए इडली खाने। अर्नब को इडली खाने का मन है, आ गए खाने के लिए। हाँ, आ गए घर मंदिर से। और मंदिर में शूट नहीं कर पाए क्योंकि अर्नब बहुत तंग कर रहा था, हाथ में प्लेट भी लिए हुए थे तो कैमरा लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फटाफट पूजा किए, पूजा करने के बाद हम लोग शूट किए और उसके बाद चले गए इडली खाने के लिए। अर्नब को कुछ खाने का मन कर रहा था तो, और फिर घर आए। घर आके सोना चले गए ऑफिस और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि फिर दिन का खाना पीना हो चुका है, सोना खा के गए हैं। अब रात के खाने की तैयारी करनी है। आज कुछ बर्थडे है सोना का, तो आज कुछ स्पेशल ही बनेगा। तो जो बनेगा मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जो जो बनेगा वो मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। रात के खाने की तैयारी हो रही है और रात के खाने मिक्स वेज है, तो गोभी जितना भी मिक्स वेज का आइटम है सब हम कट कर दिए। और इधर मसाला उसका फ्राई हो रहा है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब मैं फ्राई करके फिर पीस के डालती हूँ। तो ये फ्राई हो गया। रेसिपी तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या बन रहा है, क्योंकि मिक्स वेज के बाद मटर पनीर बनेगा, पूरी खीर सब बनेगा। तो ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, जुड़े रहिएगा आप लोग। इधर खीर की तैयारी हो रही है और खीर का चावल को घी में पहले फ्राई कर लिए हैं। आज खीर कुछ अलग टाइप का बनेगा, मन है अलग बनाने का। और उसके बाद इसको ज़रा सा दरदरा पीस लिए हैं और पीस करके इसको अब चावल को सिझाएंगे पूरा दूध में खौला करके, बहुत अच्छा बनने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा। उधर मटर पनीर का सब्जी बन रहा है और मिक्स वेज, फिर खीर बनेगा। अर्नब, आज पापा का बर्थडे है, आप क्या गिफ्ट दिए? अर्नब ट्राउजर गिफ्ट किया अपने पापा को, दादी क्या दे? दादी टी शर्ट। हाँ, और एक बात बताइए, अर्नब को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता, मम्मी या पापा? मम्मी या पापा, दोनों में से कोई एक बताइए। नहीं, हम दो बताते। दो ही बताएगा, हमेशा कभी एक नहीं बताता है। और नाना नानी में से कौन प्यार करता है? नाना नानी। अब बड़ा नाना, छोटी नानी छोटा नाना में से? छोटी नानी छोटा नाना। मिक्स वेज अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें बीट नहीं है इसीलिए रेड रंग नहीं आया है, लेकिन बहुत ही यमी दिख रहा है।
मतलब हो चुका है, बस इसको हल्का सा और फ्राई करेंगे हम और बंद कर देंगे। और पनीर की तैयारी यहाँ तक पहुँची है, पनीर का सारा मसाला को फ्राई कर दिए हैं और अब इसको पीस करके पनीर की सब्जी बनाएंगे हम, मटर पनीर। ये मिक्स वेज बन के तैयार हो गया, मिक्स वेज, और अब बनेगा मटर पनीर। मिक्स वेज बन के तैयार होने के बाद अब खीर बन के तैयार हो गया। ये फिरनी खीर है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। इसमें क्या करते हैं ना कि चावल को थोड़ा सा उसको घी में फ्राई कर देते हैं, फ्राई करके फिर मिक्सर में इसको ज़रा सा दरदरा कर देते हैं। मिक्सर में भी कर सकते हैं, खल में भी कूट सकते हैं। और दूध में डाल करके फिर इसको, मतलब दूध को पहले पूरा खौला लिया जाता है, खौला करके फिर इसको डाल के बनाया जाता है। बहुत ही यम्मी लग रहा है, ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल के बनाए हैं। मटर पनीर बनकर तैयार हो गया, लास्ट है, खोल रहा है। उसके बाद फिर पूरी बनेगा, तो जब प्लेट निकलेगा तब मैं दिखाऊंगी। अभी खोलेगा ये, केक कटने की तैयारी शुरू हो गई। अरना पूरा एक्साइटेड कि केक कैसा है, केक अब खुलेगा। केक निकल गया और ये रहा कैंडल। अरना पूरा एक्साइटेड, अरनब छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अरना पूरा एक्साइटेड केक कट होने के लिए। दो कर देते हैं, उसमें लगा होगा डब्बा में। पापा अंदर हो क्या? माचिस लगाइए, माचिस इसको मुंह पूछे पहले, माचिस लगाइए लगाइए। ये हमारा केक है, चाकू है, चलिए काट दीजिए। अब है खाने की बारी और खाना निकल गया। ये रहा मटर पनीर, मिक्स वेज, खीर, पूड़ी। मिक्स वेज है, मटर पनीर है और पूड़ी है। खीर अलग से रखी हुई है कटोरी में, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अब लोग चले खाने, लाइट कट गया है इसीलिए ऐसा इसका वीडियो आ रहा है। बहुत ही यम्मी दिख रहा है, हम लोग जाते हैं जल्दी जल्दी खा लेते हैं। खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब बहुत ज़्यादा रात हो गया, सोना मतलब सब कोई खाना उना खा लिए। केक कटते समय भी अब नहीं दिखा पाए क्योंकि अर्नब अचानक से बहुत रोने लगा था, रुस गया था कि केक मुझे काटना है। जैसे ही केक काटने लगे सोना, अर्नब रोने लगा कि मुझे काटना है, पापा को नहीं काटने देंगे, तो ले नहीं पाए क्योंकि सूट भी करने नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो फिर उसको संभाले, देखे, उसके बाद फिर जाके फिर सब कोई खाना उना खाए। खाना उना खाने के बाद फिर अर्नब सो गया है, और सोना और घर के जितने जेंट्स हैं, मंजले बाबू, छोटे बाबू, मतलब देवर लोग, वो सब गए मैच देखने। यहाँ मैच चलता है, सेमीफाइनल है, तो वो लोग देखने गए हैं मैच। और पता नहीं सोना कब आएंगे। मैं आपको मिलूँगी कल फिर एक नए ब्लॉग में, कुछ नया लेके। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सब्बा खैर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।